हेलो एंड वेलकम, मैं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं कमाल जिंदगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की जो भारत के हर घर में हर रोज इस्तेमाल होता है, जिसकी शुरुआत की डॉक्टर एस के बर्मन ने, जो अपनी छोटी सी क्लिनिक में लोगों का आयुर्वेदिक इलाज करते थे। फिर उन्होंने आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। तब जाकर डॉक्टर का डा और बर्मन का बर लेकर उन्होंने ब्रांड का नाम डाबर रखा और ऐसे हुई डाबर की शुरुआत। आज के वक्त में हम सब के लिए डाबर कोई नया नाम नहीं है। सालों से डाबर का च्यवनप्राश, हाजमोला और डाबर हनी को कोई कैसे भूल सकता है। बहुत सालों से लोग डाबर के प्रोडक्ट्स का लुफ्त उठा रहे हैं और ये बहुत सारे लोगों की अच्छी सेहत का राज भी है। और इतना ही नहीं, 10,000 से ज्यादा लोगों को इस कंपनी ने रोजगार दिया हुआ है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कॉम्पिटिशन के दौर में भी ये भारतीय लोगों का एक भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि करोड़ों की इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से आयुर्वेदिक क्लिनिक से हुई थी, जिसकी स्थापना करने वाले एक भारतीय वैद्य थे। आइए जानते हैं कि कैसे बना डाबर भारत का नंबर 1 ब्रांड और क्यों करते हैं लोग डाबर ब्रांड पर आग बंद करके भरोसा। डाबर ब्रांड की शुरुआती कहानी भारत की आजादी से पहले की है। कुछ भारतीय कंपनियां ऐसी भी है जिन्होंने आज के समय में भी अपनी पुरानी क्वालिटी को मेंटेन करा हुआ है और डाबर ब्रांड उन्हीं में से एक है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि डाबर की स्थापना एक भारतीय वैद्य ने 1884 में की थी। ये वो दौर था जब मलेरिया और हैजा जैसी गंभीर बीमारियों से लोग पीड़ित थे। हम इसे ये कह सकते हैं कि वो दौर आज के वक्त कोरोना जैसा ही था। उस दौरान एक भारतीय आयुर्वेदिक वैद्य ने, जिनका नाम डॉक्टर एस के बर्मन, इनके बारे में एक बात मानने वाली है जो दौर हम आज के समय में देख रहे हैं और करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें जिससे सबकी सेहत अच्छी रहे। ये बात इतने पुराने दौर में डॉक्टर बर्मन ने करके दिखा दी। उन्होंने छोटे स्तर पर ही लोगों को प्राकृतिक दवाइयां बनाकर उपलब्ध कराई थी। उन्होंने एक छोटा सा क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करने लगे। उन्होंने मलेरिया और हैजा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवा हेल्दी प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया। इससे ही डाबर कंपनी की नींव कहा जाता है। आपको बता दें कि कंपनी का नाम डाबर ही क्यों रखा गया। दरअसल कंपनी के नाम डाबर में डॉक्टर शब्द से लिया गया और बर बर्मन से। साल 1896 तक कंपनी के उत्पाद इतने लोकप्रिय हो गए थे कि डॉक्टर बर्मन को एक अलग फैक्ट्री बनानी पड़ी, जिसके बाद डॉक्टर बर्मन 1907 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद कंपनी की बागडोर उनके पुत्र सीएल बर्मन के कंधों पर आ गई। उन्होंने इसे गिरने नहीं दिया बल्कि अपने पिता की खड़ी की हुई कंपनी को अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ाने में जुट गए। और उस समय उन्होंने एक ही बात सोची कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजें ही लोगों तक पहुंचाऊंगा और जो विश्वास मेरे पिता ने लोगों का कमाया है उसे हमेशा बरकरार रखूंगा, कभी कोई समझौता नहीं होने दूंगा। और फिर उन्होंने दिन रात मेहनत की और कंपनी को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने डाबर की रिसर्च लैब खोली और उत्पादों का विस्तार किया। सीएल बर्मन की कड़ी मेहनत के बाद कंपनी आसमान की ऊंचाइयां छू रही थी। और फिर 1972 में दिल्ली के साहिबाबाद में एक विशाल फैक्ट्री का निर्माण किया गया और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया गया। और फिर 1994 में कंपनी ने अपना पहला तेल डाबर आमला हेयर ऑयल लॉन्च किया और वह लोगों द्वारा बहुत पसंद किया। आपको बता दें कि ये वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से कंपनी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कहा जाता है उस समय डाबर कंपनी ने इतना प्रॉफिट हासिल कर लिया था कि कंपनी को 1994 में अपने शेयर लॉन्च करने पड़े। भरोसेमंद कंपनी होने की वजह से डाबर का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 21 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। कंपनी ने इतना ग्रोथ कर लिया था कि कंपनी को 3 हिस्सों, डाबर हेल्थ केयर, फैमिली प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बांटा गया। साल 2000 में कंपनी का टर्नओवर पहली बार 1,000 करोड़ पार पहुंचा। वही 2006 में कंपनी का मार्केट गैप $2 बिलियन जम कर गया। कंपनी ने समय के साथ कई अन्य कंपनियों को अपने अंदर में ले लिया, जिसमें बलसारा ग्रुप, फेम केयर, फार्मा हॉबी कॉस्मेटिक्स और अजंता फार्मा जैसी 30+ ब्रांड शामिल हैं। आज की डेट में डाबर प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखी जाए तो वो 250 के भी पार है। दुनिया में 5 अलग अलग ब्रांड भी है, जैसे डाबर वाटिका, रियल फेम। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।